अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में बोलते हैं ना, मेरा मजाक कैसा लगा, उसका घर कैसा लगा, ये टी शर्ट आपको कैसी लगी, मेरा मजाक कैसा लगा, या कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा लगा मेरा मजाक, वो डॉक्टर मशहूर गुलाटी का मशहूर डायलॉग है ना, तो वही कैसे बोलेंगे इन सेंटेंसेस को चलाएं इस वीडियो में हम यही देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, तो मैं इसका जो है आंसर भी दूंगी, यानी इसका आंसर किस तरह से करते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, तो पूरी वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। सो लेट्स बिगिन। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा हाउ डिड यू फाइंड, ये हमारा फिक्स रहेगा हाउ डिड यू फाइंड, और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा नाउन, जिसका आप पूछ रहे हैं कि कैसा लगा, मेरा मजाक कैसा लगा, ये शर्ट कैसी लगी, तो वहाँ पर वो नाउन आ जाएगा, ठीक है। या अगर कोई इंसान है तो वो यहाँ पर प्रोनाउन आ जाएगा, उसको जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, जाहिर सी बात है। सो लेट सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेज सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो फर्स्ट सेंटेंस इज मेरा नया घर कैसा लगा, मेरा नया घर कैसा लगा। अब देखें यहाँ पर हमारा जो है यू हिडन है, आप बोलेंगे यहाँ पे तो आप जाहिर ही नहीं हो रहा, तो भाई यहाँ पर हम सामने वाले से ही बात कर रहे हैं, तो यू यहाँ पर हिडन है, इसलिए यहाँ पर हम रवानी में इस तरह बोलते हैं ना उर्दू में, मेरा नया घर कैसा लगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हम आपको भी बोलें, तो आपको बोलते हैं तो कोई मसला नहीं है, मेरा नया घर आपको कैसा लगा, अगर इस तरह बोलेंगे तो ये भी सेंटेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस किस तरह बनेगा, हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू हाउस, ठीक है, माई न्यू हाउस यहाँ पर हमारा नाउन में आ गया। हाउ डिड यू फाइंड यानी कैसा लगा माई न्यू हाउस, मेरा नया घर, ठीक है। हाउ डिड यू फाइंड माई न्यू हाउस, मेरा नया घर कैसा लगा, मैंने इसका जवाब दिया है कि कैसा लगा, आपका घर मुझे बहुत शानदार लगा, आपका घर मुझे बहुत शानदार लगा। अभी तारीफ कर देनी चाहिए, कुछ लोग होते हैं ना कि इतने अच्छे घर में भी मीन मेख निकाल के, ये अगर यहाँ पे हो जाता तो अच्छा था, ये अगर यहाँ पे हो जाता, भाई अपना मशवरा अपने पास रखें, अब बन चुका, तारीफ़ कर दें काफ़ी है, ये हमने फेस किया है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ, आपका घर मुझे बहुत शानदार लगा। तो हम सेंटेंस इस तरह बनाएंगे, आई फाउंड योर हाउस वेरी अमेजिंग, आई फाउंड योर हाउस वेरी अमेजिंग, ठीक है। बस यहाँ पर देखें ये पास्ट में है ना, तो फाइंड की जो है सेकंड फॉर्म यूज़ की है फाउंड। अब आप अगर ऊपर देखें तो वो भी जो है पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, वो डब्ल्यू एच फैमिली आया, उसके बाद डिड आया, डिड क्या हेल्पिंग वर्ब होता है ना पास्ट इंडेफिनिट का, यू और फाइंड का इस्तेमाल हुआ है असल में इसके अंदर, ठीक है। और फाइंड पर जो है ना मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो भी, इसके अंदर मैं बता रही हूँ जाहिर सी बात है। तो आई फाउंड योर हाउस वेरी अमेजिंग, कोई भी चीज़ अच्छी लगना या किसी इंसान का कुछ लगना, वहाँ पर भी हम फाइंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड होती है और थर्ड फॉर्म भी फाउंड हुई होती है, तो इसलिए यहाँ पर हमने फाउंड का यूज़ किया, आई फाउंड योर हाउस वेरी अमेजिंग, आपका घर मुझे बहुत शानदार लगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरा मजाक कैसा लगा या कैसा लगा मेरा मजाक, तो इस तरह बोलेंगे हाउ डिड यू फाइंड माई जोक, हाउ डिड यू फाइंड माई जोक, ठीक है, इतना सिंपल सा, हाउ डिड यू फाइंड माई जोक। अब इसका आंसर देखें क्या दिया गया, मुझे आपका मजाक सरासर मेरी बेइज्जती लगा, मुझे आपका मजाक सरासर मेरी बेइज्जती लगा, ठीक है। तो हम अक्सर ऐसा कर जाते हैं ना, मजाक हम समझ रहे होते हैं, हम मजाक कर रहे हैं लेकिन हम अनजाने में किसी की बेइज्जती कर जाते हैं, तो वह हमें बोले मैं मुझे आपका मजाक सरासर मेरी बेइज्जती लगा है। इसको सेंटेंस को इस तरह बनाएंगे कि आई फाउंड योर जोक कम्प्लीटली, कम्प्लीटली सरासर यानी पूरी तरह से जो है इस जोक को उसने डिसरिस्पेक्टफुल लिया, ठीक। आई फाउंड योर जोक कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्टफुल टू मी, आई फाउंड योर जोक कम्प्लीटली डिसरिस्पेक्टफुल टू मी, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसकी घड़ी तुम्हें कैसी लगी, उसकी घड़ी तुम्हें कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड हिज वॉच, हाउ डिड यू फाइंड हिज वॉच, उसकी घड़ी तुम्हें कैसी लगी, हाउ डिड यू फाइंड हिज वॉच, तो आपने जवाब दिया मुझे उसकी घड़ी कुछ खास नहीं लगी, मुझे उसकी घड़ी कुछ खास नहीं लगी, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग स्पेशल इन हिज वॉच, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग स्पेशल इन हिज वॉच, यानी आम जैसी थी, कोई ख़ास तो नहीं थी। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज अली और मारिया की बहन तुम्हें कैसी लगी, अली और मारिया की बहन तुम्हें कैसी लगी, तो बोलेंगे हाउ डिड यू फाइंड अली एंड मारियाज सिस्टर, हाउ डिड यू फाइंड अली एंड मारियाज सिस्टर, ठीक है। जो एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया ना मैंने एंड वाले नेम में लगा दिया, ठीक है, अगर दो नेम हो तो पहले वाले में ना लगाए, एंड वाले में लगा कर, और सिस्टर जैसे होते वो हमारा यानी कि वो हमारा पोजिशन को जाहिर करता है,
ठीक है, यानी उसकी बहन अली और मारिया की बहन। इसका जवाब कैसा है? मुझे वो बहुत चालाक लगी। आई फाउंड हर वेरी क्लेवर। आई फाउंड हर वेरी क्लेवर। सो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो? आपको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। सो दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। ये टी शर्ट आपको कैसी लगी? ये टी शर्ट आपको कैसी लगी? ये सेंटेंस आप बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक फेसबुक ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच।